का मतलब होता है दीपों की माला। जो दीप होते हैं, दिए होते हैं, उनकी माला को दिवाली बोलते हैं। और ये हिंदुइज़्म में इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि विष्णु भगवान की माता जी के साथ, विष्णु भगवान की जो बेगम थी उनके साथ जब विवाह हुआ था, शादी हुई थी, उस शादी को हम उसी वजह से भी दिवाली मनाते हैं। दूसरा दिवाली मनाते हैं हम कि रावण जो इतना पापी था, उसने इतने जुल्म किए थे कि हर आदमी जो था वो बहुत ही मजबूर हो गया था और सबको मजबूर करके उसको कहता था कि बैयत करो, मुझ पे बैयत करो, मैं हूँ गार्ड हूँ। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए श्री रामचंद्र जी महाराज, जो विष्णु भगवान के सातवें अवतार थे, उन्होंने इनका वध किया था, इनको मारा था। और जब वो मार के उनको वापस आए थे घर, उस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं इन दीपों के साथ और इस वजह से हम दिवाली मनाते हैं। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो पहले हम इबादत करते हैं, पड़ोस में मिठाइयाँ बांटते हैं और उसके बाद भी फायरवर्क्स करते हैं। ये कंटिन्यू टिल मिडनाइट तक जारी रहता है। लास्ट दिवाली पे मेरा दोस्त आया था लाहौर से, वो मेरे साथ सेलिब्रेट करने के लिए आए। ये एक मोहब्बत थी और मेरा दिल भर उठा कि यार, मतलब इवन दो मुस्लिम है, उसके बावजूद भी मेरे साथ दिवाली मनाने के लिए आया है। जो दिवाली है उस पे हम, मेरे लेफ्ट हैंड पे मुस्लिम रहते हैं, उनको हम मिठाई देते हैं, ईद पे वो हमें मिठाई देते हैं। मज़हब के हवाले से मैं मुसलमान हूँ, एक सिंधी हूँ। इनके त्यौहार पे हम इनके साथ इनको ये बताना चाहते हैं कि वो अकेले नहीं हैं और उनका त्यौहार भी हमारा त्यौहार है। को अहले हिंदू को, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, हमारी तरफ से हैप्पी दिवाली, पाकिस्तान जिंदाबाद।